नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बिहार में चमकी बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी रुक नहीं रहा है। शुक्रवार सुबह तक पूरे राज्य में इस बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या 140 हो गई है, जबकि सिर्फ मुजफ्फरपुर में मरने वालों का आंकड़ा 122 है। बीते कुछ दिनों से लगातार इस बीमारी का कहर बढ़ रहा है, जिसके कारण राज्य के नीतीश कुमार सरकार हर किसी के निशाने पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कुछ अस्पतालों का दौरा भी किया था, लेकिन वह उन मरीजों से मिले थे जो लू के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। गौरतलब है कि चमकी बुखार के कारण बिहार में हाहाकार मचा है और अस्पतालों में बच्चों के भर्ती होने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा हालत मुजफ्फरपुर के ही खराब है, यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा भी ज्यादा है और अस्पतालों की हालत भी खस्ता है। हालांकि सरकार का दावा है कि उनकी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है, अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा कुछ अस्पतालों में एसी, कूलर, पंखों की व्यवस्था भी की गई है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां पर इस बुखार की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। राजद समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और भाजपा को कोस रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी गैर जरूरी बयानबाजी हो रही है। गुरुवार को ही जेडीयू के सांसद दुलार चंद्र गोस्वामी ने नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हम मान रहे हैं स्थिति गंभीर है और सरकार इस पर तत्परता से काम कर रही है। नीतीश दिल्ली में है तो क्या हुआ, वह नीतीश वहां गए थे। चमकी बुखार एक संक्रामक बीमारी है, इसके वायरस शरीर में पहुंचते ही खून में शामिल होकर अपना प्रजनन शुरू कर देते हैं। पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कंकड़बाग के पाटिल पुत्र खेल परिसर किया गया है, जहां काफी संख्या में लोग एक साथ योग करने पहुंचे हैं। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने यहां योग कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भाजपा के मंत्री व विधायकों के साथ जदयू के मंत्रियों ने भी साथ मिलकर योग किया। सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र भी योग करने पहुंचे हैं। बता दें कि इस बार योग दिवस पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार जदयू भी भाजपा के साथ शामिल हुआ है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस बार भी किसी योग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि पूरी दुनिया में आज एक साथ योग किया जा रहा है। योग में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुका है और इसे यह स्थान दिलाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंत्रियों और सहयोगियों के साथ योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज 150 से ज्यादा देशों में योग किया जा रहा है। पूरी दुनिया को भारत ने योग सिखाया है, आज पूरी दुनिया में इसकी पीएम मोदी ने पहचान दिलाई है, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं दूसरी ओर गया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गया शहर के राम सागर तालाब परिसर पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जदयू नगर अध्यक्ष, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नीरज वर्मा, सुषमा वर्णवाल और भारी संख्या में गया के लोग शामिल हुए। इस योग शिविर में गायत्री परिवार के योग अभ्यास कराने वाले गुरु मनीष जी ने योगाभ्यास कराए, लोगों ने बढ़ चढ़कर योगाभ्यास किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।